अखंड भारत बने हमारा, यही नारा है हमारा। अखंड भारत बने हमारा, यही नारा है हमारा। अखंड भारत बने हमारा, यही नारा है हमारा। जय सिया, जय सिया, जय सिया, जय सिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। महादेव, वंदे 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 वंदे। आदिनाथ संप्रदाय की ओर से देश धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर के लाल चौक से कन्याकुमारी तक हिंदू जोड़ो यात्रा का आयोजन किया है। लगभग 13 से 14 राज्यों से यात्रा जाने वाली है और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंदू को एकजुट करना है, क्योंकि हमारा हिंदू जाति पाति में बटा हुआ है और हमारा यही नारा है, जाति तोड़ो और हिंदू जोड़ो, क्योंकि हमारे लिए पहले राष्ट्र और फिर कास्ट है। जी, तो ये कब आपके मन में ऐसा संकल्पना है कि इस तरह की कुछ चीज करनी पड़ेगी, और क्या ये सही वक्त है करने का, हिंदुओं को देने का? हमारा इस यात्रा का आयोजन ये लगभग एक डेढ़ साल से चल रहा था, क्योंकि अभी की जो परिस्थितियाँ है, क्योंकि ये परिस्थितियाँ ऐसी है, अगर हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो आगे आने वाला जो समय है वो हमको माफ नहीं करेगा, और समस्त जो हिंदू बांधव है, आने वाला समय हमारे लिए इतना खतरा है कि जो भी हिंदू बांधव है हम सबको गोल्ड टोपियाँ पहनने पड़ेंगी और हमारी जो हिंदू माता भगनी है उनको बुरखा पहनना पड़ेगा, ऐसी परिस्थितियाँ होगी। आज जो लोग आए हैं ये कहाँ कहाँ से आए हैं, किस मकसद से आए हैं, और ये यात्रा कब होगी? सबसे पहले ये यात्रा ये जो यात्रा है लगभग हमारा जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होने वाला है और देश भर के अनेक प्रांतों से लोग आए, जैसे जम्मू कश्मीर से कुछ लोग आए हैं, राजस्थान से कुछ लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से कुछ लोग आए, दिल्ली से कुछ लोग आए, और हमारा हर राज्य में हिंदू जोड़ो यात्रा का काम चल रहा है, और हमारा मकसद यही है कि समस्त हिंदू बांधवों ने एक होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, और विश्व के लिए और राष्ट्रीय हित के लिए यही जरूरी है। आप सभी से जानते हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपकी क्या धारणा है इस पर, क्या मानना है? हाँ, तो क्योंकि आज भारत में कई घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि हिंदुओं के बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, और बहुत कुछ लोगों पे, साधु संतों पे भी अत्याचार हो रहा है, इसके लिए हिंदू एकत्र आना बहुत ही जरूरी है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की यात्रा से कितना मोटिवेशन मिलेगा, कितना जरूरी है आजकल युवाओं को जोड़ने के स्पष्ट लिए? नहीं, देखो सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करना जरूरी है, और हिंदुओं के बच्चों को शास्त्र का ज्ञान मिलना जरूरी है, शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान मिलना जरूरी है, क्योंकि आज दुनिया में कई तरीके के स्कूल चलते हैं, लेकिन हिंदू समाज में हिंदुओं के बच्चों के लिए कोई ऐसा वेद पाठशाला या संस्कृत पढ़ने के लिए कोई गुरुकुल अभी नहीं है। जो गुरुकुल है वो केवल चंद पैसों के लिए चलाते हैं। हमारा एक कहना ऐसा है कि सभी धर्मों के जो बच्चे हैं वो संस्कृत पढ़े और शास्त्र का ज्ञान ले और शस्त्र का भी ज्ञान ले। आने वाले समय पे जो हमारे देश पे खतरा मंडरा रहा है उसके लिए सभी को एकजुट होना जरूरी है, और इसीलिए हम आदिनाथ संप्रदाय से हिंदू जोड़ो यात्रा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक साधु संत और हिंदू भाई हिंदू बहनें सब मिलकर एकजुट से इसका प्रण किया है, एक संकल्प किया है, और ये यात्रा निकालने से कुछ न कुछ आज नहीं तो कल फर्क जरूर पड़ेगा। जी सर, आपकी क्या धारणा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
मेरा नाम डॉक्टर सरस्वती आनंद महाराज है और मैं खाटू श्याम श्री महाकाल अखाड़ा संस्थापक तेलंगाना से यहाँ पर मुझे कनकीराम महाराज जी उज्जैन पधारे थे और उन्होंने कहा कि महाराज जी हमें हिंदू जोड़ने के लिए हिंदू जोड़ो यात्रा निकालना है, क्या आप हमारे में शामिल होंगे या हमें सहकार्य करेंगे। ऐसा कहने से उन्होंने हमें निमंत्रण दिया और यहाँ पर मैं आया। यहाँ पे देश सभी राज्यों के महात्मा और हिंदू भाई बहनों आए हैं और मुझे बहुत बड़ा और आनंद लगा क्योंकि आज मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन हुए और बहुत ही आनंद हुआ और आपको मिलके भी बहुत आनंद हुआ। हाँ सर, आपकी क्या धारणा है, क्या आप कहना चाहेंगे, कितना जरूरी है आजकल जहाँ पे देश बिखरता नजर आ रहा है हिंदू जोड़ो यात्रा कितना जरूरी है? पहले आपका नाम बताओ। मैं थोड़ा सा मेरा आपके कथनानुसार मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से सन्यासी हूँ और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के शाखा मोतीबाग नियर बाय एडजॉइनिंग चाणक्यपुरी दिल्ली में आश्रम है श्री गिरनार पर्वत प्राचीन शिव मंदिर स्वामी आनंदेश्वरानंद गिरी मेरा नाम। बेसिकली सनातन जोड़ो या हिंदू जोड़ो ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे धर्म में पुत्र पिता का वध करता है यह परंपरा है। वो पुत्र पिता का वध कब करता है वो एक संरचना देखने और कल्पनीय जैसी है। भाई भाई का विरोध करता है, मामा भांजे का विरोध करता है, राजा राजे का विरोध करता है, वो कोई भी किसी कास्टिज्म का लॉजिक नहीं है। लॉजिक है डिक्टेटरशिप का, ग्रैपिंग का, या किसी भी विषय के ऊपर आधिपत्य और डिक्टेटरशिप का जमाने का विरोध करता है। यह हमारी संस्कृति है और इससे पूर्व भी हमारे देश के ऊपर आक्रांताओं ने आक्रमण कर इस देश को ग्रैप किया और हम फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअलिटिकल लेक्चर्स और भाषणों में रह गए। लेकिन हमको आदर्श लेना चाहिए उस पुत्र का, आदर्श लेना चाहिए वो मामा का, आदर्श लेना चाहिए उस भांजे का कि जिस मामा को भांजे ने तमाचा मारा या उसका डिक्टेटरशिप का आईना दिखाया, आदर्श लेना चाहिए उस भांजे का। तो आज भी उसी प्रकार से डिक्टेटरशिप का विरोध या किसी भी आक्रांता का विरोध करने में हम लोगों को किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं होना चाहिए। और इस देश में जब भी डिक्टेटरशिप हुई या डिक्टेटर किसी भी चीज को ग्रैप या उसको तोड़ मरोड़ना चाहता है उसका विरोध, और ये पहल है किसी भी आक्रांताओं के या डिक्टेटरशिप के विरोध में, किसी व्यक्ति के या किसी कास्टिज्म के विरोध में नहीं है। ये एक आक्रोश है डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट। तो इस देश में डेमोक्रेसी मेंटल माइंड वॉश के लिए तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन देश में जो ग्रैपर है उनका फेस या उनका आईना कोई दिखाने वाला तो बनेगा, और आदिनाथ संप्रदाय अगर वो काम करता है तो इनके लिए साधुवाद और संपूर्णतया सहयोग। ओम नमो नमः। पाकिस्तान और हिंदू अभियान किया है, क्या कहेंगे? ये देश के लिए, अपने भारत के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है जो आदिनाथ संप्रदाय के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आदिनाथ संप्रदाय के पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री श्री 1008 कल्कीराम महाराज जी का, जिन्होंने इस महाअभियान का शंखनाद किया। आज मैं मुंबई में आया
श्री गणेश भगवान के दर्शन करने के बाद यहाँ पर ये प्रेस वार्ता हो रही है। परसों 13 तारीख को तुलजापुर से भी एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है देश, और मैं तो सीधा सा खुले शब्दों में कहता हूँ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ, लखनऊ से। हमारे मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कौन नहीं जानता है, महाराज जी को। तो सीधी सी बात, बटोगे तो कटोगे। हम सबको एक होना है, जागना है। अभी भी अगर हम सब नहीं जागे तो आने वाला समय देश के लिए ज्यादा हितकारी नहीं। उत्तर प्रदेश से हिंदू जोड़ो यात्रा के लिए किस तरह का सहयोग रहा है थोड़ा सा? उत्तर प्रदेश में अखंड प्रताप सिंह जी हैं, वहाँ के प्रदेश महासचिव हैं, और बहन, हमारी बड़ी बहन निधि शर्मा जी उत्तर प्रदेश की महिला मोर्चा की प्रदेश संयोजक अभी बनाई गई हैं। बहुत ही जल्द हम लखनऊ राजधानी में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक बहुत बड़ी शौर्य यात्रा निकालने वाले हैं दिसंबर माह में। उसकी तिथि महाराज जी के आदेशानुसार निर्धारित करी जाएगी, और हर राज्य में, हर राज्य की कैपिटल में, राजधानी में हम लोग जा जाकर शौर्य यात्राएं निकालेंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, प्रेस बंधुओं से हम लोग जानकारी देंगे कि आने वाले समय में 2025 में अपने भारत में क्या होने वाला है हिंदुओं के हित में, आदिनाथ संप्रदाय के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस अयोध्या से जय श्री राम का नारा लगाया जाता है जी, वहाँ से आप हिंदू जोड़ो यात्रा का सबसे पहला आयोजन किया गया जी, वहाँ के लोगों का किस तरह से आपके साथ सहयोग रहा? बहुत अच्छा। हम लोग अयोध्या भी गए और मथुरा वृंदावन में भी मैं गया। तो उत्तर प्रदेश तो एक ऐसी पावन धरा है जहाँ पर भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ, और एक नैमिषारण्य ऐसा तीर्थ है कि आप सारे तीर्थ कराओ लेकिन उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य आपको जरूर जाना पड़ेगा, वो भी लखनऊ से बहुत करीब में है। तो बहुत अच्छा संदेश जाने वाला है, बहुत अच्छी यात्रा होने वाली है, ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है, और इस यात्रा का संदेश भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाने वाला है। महाराष्ट्र की पत्रकार परिषद घेण्याचं कारण असं आहे, आमची जी हिंदू जोडो यात्रा आहे ही पूर्वनियोजित होती, कारण गेल्या वर्षभरापासून आम्ही या यात्रेचं आयोजन करत आहे। जम्मू काश्मीरच्या लाल चौकातनं तर कन्याकुमारीपर्यंत ही यात्रा निघणार आहे, आणि वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आमचं काम सुरू आहे। वेगवेगळ्या राज्यांमधले आमचे अनुयायी, आमचे संयोजक चांगल्या तन मन धाराने काम करत आहेत, आणि प्रत्येक राज्यामध्ये आमचं काम चालू आहे। आमचं राजस्थानमध्ये काम चालू आहे, आमचं उत्तर प्रदेशमध्ये काम चालू आहे, आमचं जम्मूमध्ये काम चालू आहे, अशा दिल्लीमध्ये काम चालू आहे। तर त्या अनुषंगाने आमच्याकडे फार कमी वेळ आहे, त्यामुळे आम्ही महाराष्ट्रामध्ये ही जनजागृती यात्रा हिंदू जोडो यात्राच्या निमित्ताने काढत आहे। काय राहणार महाराष्ट्र यात्रेचं? 13 तारखेपासून 13 नोव्हेंबर ते 18 नोव्हेंबरपर्यंत ही यात्रा निघणार आहे। कुठून निघणार आहे, काय शेड्यूल आहे? तुळजापूरपासून ते नाशिकपर्यंत ही यात्रा निघणार आहे। महाराष्ट्रातील किती जिल्ह्यांमधून या यात्रेमध्ये लोक सहभागी होत आहेत? महाराष्ट्रातील संपूर्ण जिल्ह्यांमधून कानाकोपऱ्यातनं लाखोंच्या संख्येने या यात्रेमध्ये लोक सहभागी होत आहेत। 13 तारखेचं नेमकं शेड्यूल काय राहणार आहे, नंतर यात्रा कशा काय म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये कशी पोहोचणार? 13 तारखेला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदुत्वाची सुरुवात 18 पगड जातींना घेऊन केलेली होती, आणि त्यांच्या आशीर्वादानेच आपण ही यात्रा महाराष्ट्रातनं तुळजाभवानी जे महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आहे तिचं दर्शन घेऊन करत आहे। यामध्ये आम्ही तुळजापूरमध्ये 2 ते 3 किलोमीटरची रॅली घेऊन भगवतीचं दर्शन घेऊन नंतर आम्ही लोकांचं प्रबोधन करणार आहे। महाआरती होणार आहे।
की जो रैली है उसका क्या स्वरूप रहेगा, कितने लोग से जुड़ेंगे और किस तरह से एक हुई जाता है? तुलजापुर में सर्वप्रथम डिफरेंट डिफरेंट एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट से बस द्वारा और गाड़ियों द्वारा सेल्फ व्हीकल के द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र से प्रत्येक प्रत्येक जिले से लोग पहले तो वहाँ आगमन होगा। आगमन के पश्चात माँ का आह्वान होगा। आह्वान के बाद वहाँ पे भव्य समारोह के साथ में महाआरती का आयोजन होगा और उसके पश्चात महाराष्ट्र में वहाँ से विगुल फूका जाएगा कि सनातन जोड़ो, भारत जोड़ो और हिंदू जोड़ो यात्रा का आह्वान माँ के चरणों से लोगों तक पहुँचाया जाएगा। माँ के चरणों की धुन गांव में, घर में, देश में पहुँचाई जाएगी कि जैसे छत्रपति जी महाराज जी ने दिल्ली से काबुल तक हिला डाला था, क्या नाम था उसका, औरंगजेब को, उसी तरीके से इस यात्रा के माध्यम से विधर्मियों को हिलाने का कार्य माता जी के चरणों से होगा और वो माता जी के चरणों की जो रज है वो सभी के उत्साह के लिए, शौर्य को निर्माण करने के लिए माता जी के चरणों की रज पहुंचाई जाएगी। महाआरती के साथ अलग अलग जिलों में अलग अलग टीमें डिवाइड होगी और वो जिले का समापन नासिक पंचवटी में होगा जो कि हमारा हिंदू जोड़ो यात्रा का आदिनाथ संप्रदाय के महाआरती के साथ समापन होगा। डन। से जम्मू से हम लोग हिंदू जोड़ो यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं, आदिनाथ संप्रदाय इस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। हिंदू जोड़ो यात्रा का आयोजन करने की स्थिति क्यों आई है? स्वाभाविक सी बात है, देश की रक्षा करने के लिए, भारत माँ की लज्जा को बचाने के लिए, बहन बेटियों के सम्मान के लिए, और क्या? क्या हिंदू अभी अल्पसंख्यक में जा रहा है? हाँ, नो डाउट। ये क्वेश्चन आपने जो पूछा है बहुत अच्छा है कि हिंदू अगर नहीं जाएगा तो अल्पसंख्यक में जाना तय है। ऐसा आपको क्यों लगता है कि हिंदू अल्पसंख्यक में जा रहा है? हम लोग इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम लोगों को भी अपना परिवार बढ़ाना चाहिए जैसे वो बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।